तो जी हम आ गए हैं ओस्लो सेंट्रल, और ओस्लो सेंट्रल पर अब हम जा रहे हैं रिदिमा, नहीं रिदिमा का भी तो कुछ खरीदना होगा, पता नहीं कपड़े कपड़े खरीदने हैं कह रही है वाली में तो जी ये ले ली मैंने, अब आते हैं इनके लिए ख़रीदने और ले जाता हूँ मैं, ये हमेशा होता है जब भी मैं इनके साथ आता हूँ, तो इसलिए अपने लिए एक स्पोर्ट्स वाली ले ली मैंने। गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग्स। मैं त्रिभुवन, ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक बेहतरीन नए ब्लॉग की शुरुआत होने जा रही है एज यूजुअल इवनिंग में। और आज जैसा कि जो है मैं समझता हूं सीजन में जो समर में एक्चुअली वेदर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और अब सेप्टेम्बर में इस तरह का वेदर हो रहा है। और आज जो है कोई टेम्परेचर 27 डिग्री, एकदम मस्त वेदर, धूप निकली हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतना बढ़िया वेदर हो और हम बाहर ना निकलें, और वो भी वीकेंड हो। तो चलिए थोड़े मोमेंट कैप्चर करते हैं, कुछ काम है अपने छोटे मोटे वो भी करते हैं, और एज यूजुअल सारे लोग मेरे साथ। पहले तो वेदर भी देखें आप, क्या बेहतरीन वेदर, और ये देखो भाई एज यूजुअल ब्लॉक के कैरेक्टर। तो जी हम आ गए हैं ओस्लो सेंट्रल, और ओस्लो सेंट्रल पर अब हम जा रहे हैं रिदिमा, नहीं रिदिमा का भी तो कुछ ख़रीदना होगा, पता नहीं कपड़े खरीदने हैं कह रही है वाली में आज इसकी आज ये है भाई फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो है पैसे सारा खर्चा करने वाली है, मैं बैग में भर के पैसे लाई। हाँ चिल्लर, चलो जाओ जाओ जाओ। चलो 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 चलो, हाँ इधर रुकेंगे, डोंट वरी। क्या हुआ? ये कह रही यहाँ पर रुको, मैं कह रहा हूँ यहीं रुकेंगे, चिंता मत कर। हैं? कोई क्रॉस कंट्री वगैरह होगी ना? चलो कम, तो जी काल यहन स्ट्रीट का क्राउड आज आप देखें जो है लगभग लास्ट समर के लास्ट सीजन, और काफ़ी क्राउड यहाँ पर, और कालियोन स्ट्रीट पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ, तो आप इन्जॉय करें। सारे रेस्टोरेंट पैक्ड हैं, सारे स्ट्रीट्स पैक्ड हैं, सारे शोरूम पैक हैं, और आपको पता है कि सारे लोग नॉर्वे जितने बाहर गए थे सब वापस आ चुके हैं, तो आप सिर्फ जितना भी टाइम इनको मिलेगा ये आपको ऐसे ही रेस्टोरेंटों में स्ट्रीटों में इन्जॉय करते हुए लोग मिलेंगे, तो आप भी इन्जॉय कीजिए।
तो जी अब हम जा रहे हैं कालियोहनी स्टेट में, एक स्पोर्ट्स की शॉप है। जो लोग नॉर्वे में हैं और स्पोर्ट्स के आइटम उन्हें ख़रीदने हैं, जैसे स्पोर्ट्स शू हैं, स्पोर्ट्स के फुटबॉल के कपड़े, और या कोई भी स्पोर्ट्स का जो क्लोदिंग में शूज़ में आपको आइटम चाहिए, वो सबसे बेस्ट दुकान है अंडर गारमेंट्स स्पोर्ट्स वाले। तो वो एक ऐसी अच्छी शॉप है कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है, मतलब जो मीडियम रेंज की शॉप्स होती हैं वो हैं, और आइटम भी जो वहाँ पर मिलता है वो बहुत ठीक ठाक सा आइटम मिलता है। तो आप वो शॉप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो अगर आप कहीं से भी यहाँ पर सपोज करो कि कोई एक स्पोर्ट्स शू ख़रीदते हैं, उसकी जो कॉस्ट आपको नॉर्मल शोरूम में मिलेगी, उसका कम से कम 20-30% आपको कम रेट इस शॉप में मिलेंगे। तो ये बेनिफिट है। तो इसलिए आज हमने ओम के कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो हम जा रहे हैं वहाँ। तो आपको शॉप दिखाता हूँ, और स्पेसिफिकली जो नॉर्वे में लोग हैं वो इस शॉप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो स्पोर्ट्स आउटलेट है, ये आपका स्टोरथिंगे के बिल्कुल अपोजिट में, तो आप देखें बिल्कुल अब इसके अपोजिट में वो शॉप है। बहुत आसान सी जगह, आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं, स्टोरथिंगे के सामने स्पोर्ट्स आउटलेट। हम अफगानी वाला। तो जी ये ले ली मैंने, अब आते हैं इनके लिए ख़रीदने और ले जाता हूँ मैं। ये हमेशा होता है जब भी मैं इनके साथ आता हूँ, तो इसलिए अपने लिए एक स्पोर्ट्स वाली ले ली मैंने, ये वाली शाम को जो उसके लिए वॉक करने के लिए। और शोभा जी ने एक ले लिया कुछ आइटम। चले ये जो है इसे लेट क्यों रखी होगी? We'll be right back.
मेरा सर्दी लग रही है इसलिए देख लो मैं काट तेरी मम्मी का करना है ना यूज देखना चलेगा हाँ चलेगा क्यों नहीं चलेगा नंबर चाहिए होता है क्या नंबर पिन पिन भी तो मांगेगा अब चलेगा ये हाँ अब हो गया है वैसे जो है मेरे को सर्दी लगी है पर एक दो बाइट मैं खाऊंगा कहते हैं ना कि वो लो जहर को जहर मारता है तो थोड़ा सा बेहतरीन आप कहाँ तो जी व्यूअर्स हम थोड़ा बहुत ख़रीदारी करके आ गए हैं और अब देर हो गई है अब खाना वाना का कुछ व्यवस्था यहीं से कर रहे हैं तो डोमिनोज से पिज़्ज़ा ले जाने का प्लान है तो पिज़्ज़ा खाएंगे भाई और बाकी जो है तो रिधिमा गई है स्टोर में कुछ दूध दूध लाना है आज सैटरडे है कल बंद होगा और उसके बाद जो है बस हमारा वीकेंड की मस्ती शुरू थोड़े वीडियो वीडियो एडिट करने का यही सब कार्यक्रम रहेगा वीकेंड की वीडियो देखूंगी मैं ऐसे बस हो जाऊंगी हाँ ये जो है थोड़ा वीडियो देखेगी थोड़ा वो करेगी ये सब काम कहानी चलते रहेगी अब तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और जो लोग नए हैं चैनल पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो बनाते रहूँगा आगे भी आने वाले टाइम पर कुछ और अच्छे वीडियो आने वाले हैं कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर इंडियंस कम्युनिटी के जैसे दांडिया है और दिवाली के फंक्शन हैं और ऐसे बहुत सारे फंक्शन हाँ क्रिसमस तो चलो बहुत दूर है अभी तो बाकी अक्टूबर में काफ़ी फंक्शन तो एक दो आने वाले हैं तो वो भी आपके लिए कवर करूँगा तो चलिए बने रहिए और इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को तब तक अपना ध्यान रखें ख्याल रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें बाय बाय टेक केयर